हजारों की तादाद में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े रहने वाला एक मजदूर जंतर मंतर है और मांग लेके आया है कि हमें भी देश के अंदर एक सम्मानजनक उचित न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। तब तक हम ये 2000, 1000, 1500, 3000 की मजदूरी को करते रहेंगे। जब तक सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक ये मजदूर अपने आप को आजाद नहीं मानते हैं। दूसरा इनका मांग है पेंशन का, किसी भी प्रकार की पेंशन इन मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी स्कीमें बना रही है परंतु इन सारी स्कीमों से ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर वंचित हैं। इनका जो पेंशन है वो पेंशन भी इनकी न्यूनतम मजदूरी जो सरकारी रेट है उसे आधे से अधिक होनी चाहिए। सरकार अगर 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय कर रही है तो कम से कम 9,000 से ज़्यादा इनको पेंशन मिलनी चाहिए। तीसरी जो महिला कामगार हैं, गर्भवती महिला कामगार हैं, उनको 9 महीने का सवैतनिक अवकाश जो आज दिन तक नहीं मिल रहा है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएँ हैं, जो कामगार हैं, उनको तो इस प्रकार की सुविधाएँ मिली हैं, उनके लिए कानून है, परंतु गर्भवती महिला कामगारों के लिए कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार आपकी जो ये मांगें पूरी नहीं करेंगे फिर आप क्या करेंगे? देखिए, दूसरा हमारा आवास का मांगे कि मजदूर के पास घर नहीं है। सरकार ने ये घोषणा की है कि हम सब 2021 तक घर देंगे, पर हमारे इनमें से एक भी मजदूर को घर नहीं मिला। अगर हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है सरकार बार बार यहाँ पर आते रहेंगे और जब नहीं होगा तो हमें अंत में सरकार का घेराव करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग आज आए हैं जितने भी आसपास क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए हम लोग सरकार से सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मजदूर वो हैं जो दिल्ली शहर को चलाते हैं, दिल्ली शहर को बनाते हैं। आज इनके लिए सरकार ने किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बनाया है। आज इनको पेंशन के लिए भटकना पड़ता तब इनकी पेंशन है। हमारी घरेलू कामगार ने सालों से मांग की है कि हमारे लिए कानून बने, पर आज तक सरकार के लिए कोई कानून नहीं। तो हमारी मांग यही है कि जितने भी इस देश के अंदर आसन क्षेत्र के मजदूर हैं सबके लिए कानून बने ताकि यही सरकार करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? बजट सेशन में हम लोगों ने सुना है सरकार ने वृद्धा पेंशन जो है वो 3,000 रुपये कर दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार मजदूरों की सुनती नहीं है, पर सुनाने के लिए मजदूरों को अपनी ताकत लगानी पड़ती है। वो हम लगातार लगाते रहेंगे तभी सरकार हमारी बात सुनेगी, और अगर नहीं सुनी तो जितने आज हम लोग इकट्ठा हुए इससे 10 गुना संख्या में हम यहाँ पर आएंगे और सरकार को अपनी बात सुनेंगे। कम से कम हमारे 300 महिलाएं हैं जो अपना घर का बच्चा भूखा छोड़कर अपना काम छोड़कर पूंजीपतियों के घरों में जो मध्यम वर्ग है उनके घरों में जाके छोड़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो सुविधाएं हमारे हमें जो सामाजिक सुरक्षा मिली थी उसके बारे में आज हमारी सरकार करने वाला और देश को कामगार है हमें गरीब कामगार ही नहीं मानती, काम की सूची में हमारा नाम है। तो हम चाहते हैं कि जो घरेलू कामगार है उनको सूची में डाले और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि जब हम उनके घरों में काम करती हैं तब ये महिलाएं जाकर आगे 30,000, 40,000 का काम करती हैं। अगर हम घरों में काम करना बंद कर दें तो एक दिन में इनके घरों में बुरा हाल हो जाता है, सफाई बर्तन धोने को पूरी तरह सड़ जाता है। अगर हम ना हो मजदूर समाज ना हो कि शहर के तो हमारे बारे में जब हम सोचेंगे तो आप ये बताइए कि हमारे सुविधाओं का हमारे हक का पूरी तरह हनन होगा। तो हम भी कामगार हैं, घरेलू कामगार क्या कहते हैं, 13 लाख घरेलू कामगार है जो दिल्ली शहर में काम करते हैं। तो आप उसके बारे में सरकार सोचना नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि हम महिलाएं तो इसी क्षेत्र में ध्यान देना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में सोचे और इनके लिए समाज का काम करें।